योगचे एरहान एक बार फिर अपने शहर सुरमेने में तट की तरफ निकली हैं। काले सागर में पानी के अंदर मछली पालन के बाड़े बने हुए हैं। मछुआरे उमर सरल के साथ एरहान नए फिश फार्म को देख रही हैं। यहाँ पूर्वोत्तर तुर्की में नौकरियाँ बहुत कम हैं, इसलिए मछली उत्पादन एक आकर्षक उद्योग की तरह उभरा है। एक वो है, एक और भी है। एक किलोमीटर दूर उन्हें पानी में तैरते चिन्ह नजर आते हैं। मछलियों के बाड़े उनसे बांधे जाएंगे। इरहान कहती है कि काले सागर के लिए और भी बुरी खबर है। इन ठसा ठस भरे पिंजरों में मछलियां जल्द ही बीमार पड़ जाती हैं। तो किसान बहुत अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक और दूसरी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इससे समूचा समुद्री इकोसिस्टम खराब हो जाता है। दुनिया भर में समुद्री जीव विज्ञानी चेतावनी देते हैं कि एक्वाकल्चर की गंदगी और बचे खुचे खाने से छोटे समुद्री जीवों को नुकसान होता है। मछुआरे उमर सरल आजीविका के लिए स्वस्थ मछली पर निर्भर हैं, लेकिन ये दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। स्थानीय मछलियों की बसेरों पर फिश फार्मों का कब्जा हो गया है। वो मछलियों के अंडे देने की आखिरी बची हुई जगहों पर भी बाड़े लगा रहे हैं, वहाँ हम मछलियाँ पकड़ते हैं। मछलियाँ कम हो रही हैं। पिछले साल मैकरेल मिली ही नहीं, ना ही वाइटिंग। इसके बदले छोटी सेलमन मछलियाँ उन बाड़ों में छोड़ दी जाती हैं। आमतौर पर ये प्रजाति यहाँ नहीं मिलती। तुर्की में एक्वा फार्म फल फूल रहा है। इल्कर इल्दीरिम जैसे निर्यातक कुछ मुनाफा बांटना चाहते हैं। उनके शहर ट्राबजान में बीते 10 साल के दौरान मछली फार्मों में उत्पादन 50 गुना बढ़ा है। वो एरहान जैसे पर्यावरण कार्यकर्ताओं के आरोपों को खारिज करते हैं। हमारे एक्वाकल्चर दुनिया भर में सबसे ज्यादा पर्यावरण अनुकूल हैं। हम लोग साल में 6 महीने ही उन्हें चलाते हैं, क्योंकि गर्मियों में सैल्मन के लिए पानी काफी गर्म हो जाता है। अधिकारियों की निगाह भी हम पर रहती है। इसके अलावा हमने पाया कि हमारे बाड़े दूसरी मछलियों को भी लुभा रहे हैं। इससे मछुआरों को मदद मिलती है। लेकिन एरहान कहती हैं कि तुर्की के अधिकारी समुद्री संरक्षण कोशिशों की निगरानी बारीकी से नहीं करते हैं। उन्होंने अपने पुश्तैनी गांव के पास एक विशाल डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ बरसों तक लड़ाई लड़ी। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी रहा। जर्मन फिल्मकार फातिह अकिन ने तट के पास डंपिंग ग्राउंड पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। फिर डंपिंग ग्राउंड को मिट्टी से ढक दिया गया, लेकिन उसका विषैला रिसाव समंदर में बह जाता है। एरहान कहती हैं कि समूचा इलाका एक पर्यावरणीय तबाही के कगार पर खड़ा है। इस इलाके में काफी बारिश होती है, कचरा बह सकता है या उसके अंदर बनने वाली गैसों से विस्फोट हो सकता है। और फिर मध्य अक्टूबर में एरहान के घर में आग लग गई। वजह नहीं पता चल पाई, लेकिन उन्हें आगजनी का शक है। मुझे बार बार बताया जाता है कि लोगों को मैं मछली पालन से पैसे नहीं कमाने देती। कचरे के ढेर का विरोध करती हूँ तो मुझ पर विदेशी एजेंडा चलाने का आरोप लग जाता है। लेकिन मेरा तो घर है ठीक बगल में, अपनी खुद की समस्या भी तो बताऊंगी या नहीं। समंदर की ओर देखती हूँ तो मछली पालन की विरोधी बता दी जाती हूँ। आगजनी की घटना से एरहान की माँ चिंतित है। मैं नहीं चाहती कि उसका कोई नुकसान हो, खतरा तो है ही। लेकिन एरहान डरी नहीं है। वो अपना घर दोबारा बनाकर उसे पर्यावरणविदों की बैठक का ठिकाना भी बनाना चाहती हैं। जानकारों के मुताबिक पड़ोसी राज्यों से बहकर आने वाले कचरे और गंदे पानी से काले सागर का दम घुट रहा है। एरहान समझ नहीं पाती कि अधिकारी इकोसिस्टम को और खराब करने वाले एक्वा फार्म की अनुमति क्यों दे रहे हैं। सिर्फ थोड़े फायदे की खातिर, महज महीने की पगार की खातिर। आखिर आप धरती को बर्बाद कैसे कर सकते हैं? लोगों की तो नींद उड़ जानी चाहिए। योगचे एरहान को ये मंजूर नहीं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। फिलहाल तुर्की में अपने ही दम पर उनकी लड़ाई जारी है।